हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आपका स्वागत है खुशी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी तो सभी को बहुत पसंद होती है, तो चलिए हम पाव भाजी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर, शिमला मिर्च और आलू इन तीनों सब्जियों को काट लिया है और अच्छे से इन तीनों सब्जी को हम धुल लेंगे। धुलने के बाद हम एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक जाए फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। फिर हम इसमें हमने जो सारी सब्जी धुल के रखी थी वो डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब हम कुकर को बंद करके 20 मिनट तक इसे पकने के लिए रख देंगे। हमें हाई फ्लेम पे एक सीटी लगानी है, फिर हमें आंच को धीमा कर लेना है। 20 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी सब्ज़ी उबल चुकी है। आप देख सकते हो सब्ज़ी अच्छे से उबल चुकी है, पक चुकी है। इसे हम मैशर से मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को मैश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे हमारी प्याज पक चुकी है। उसके बाद मैंने लहसुन, मिर्च और अदरक की पेस्ट बनाई थी, मैंने वो डाल दिया है प्याज में। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, तभी पाव भाजी में टेस्ट अच्छा आएगा। मसाला पक जाए उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि मैंने सब्जी में भी नमक डाला है, तो इसमें हम मसाले में थोड़ा ही नमक डालेंगे, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला लिया है, वो हम डाल देंगे। पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1-2 मिनट के बाद हमने जो भाजी मैश करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम तेज रखनी है। तो मैंने यहाँ पे भाजी को मिक्स कर लिया है मसाले के साथ में। अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए उबलने के रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी भाजी उबल रही है, इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी भाजी एकदम टेस्टी बन के रेडी हो चुकी है। इस पे हम हरे धनिया की पत्ती को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। अब हम पाव को सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तवा रखा है, तवा पे तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी भाजी डाली है। अब हम पाव को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से सेक लिया है, दूसरी तरफ भी हम पलट लेंगे, इसे सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे पाव को सेक लेंगे, तो पाव भाजी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगा। तो अब हम पाव को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी पाव भाजी बन के रेडी हो चुकी है। ये पाव भाजी बहुत ही अच्छी लगी खाने में, सबको बहुत पसंद आई। आप भी इस तरह से पाव भाजी घर में बना सकते हो। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।